अहले सुबह भागलपुर के मीराचक गांव में खलबली मच गई जब तूफानी मंडल के घर से दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसलवाय पर मिला। इस जहरीले सांप के मिलने से गांव में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। हरिराम मंडल ने बताया कि यह सांप पिछले 10-15 दिनों से तूफानी मंडल के घर में रह रहा था। रात होने पर वो बाहर निकलता था और फिर सुबह होने के पहले घर के अंदर जाकर रखे जलावन में छिप जाता था। आज सुबह 5 बजे तूफानी मंडल की बेटी ने सांप को देखा, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर सांप को पकड़कर बोरे में डाला और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मीराचक गांव में पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। गांव वालों ने बताया कि यह सांप करीब 3 फीट का है और मोटा भी है। उन लोगों ने अजगर समझकर इसे पकड़ा था, लेकिन वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बताया कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसलवाय पर है। यह इतना जहरीला है कि इसके डंश से इंसान 30 सेकंड के अंदर प्राण त्याग देता है। हालांकि सुखद बात यह रही कि सांप ने किसी भी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया। मोबाइल में देखे बोला 30 सेकंड से ज्यादा है। भागलपुर के मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर में काफी जोश श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। इस विसर्जन शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ एक दूसरे को अबील गुलाल लगाते हुए मां की विदाई में सैकड़ों भक्तगण मौजूद थे। इस विदाई विसर्जन शोभा यात्रा में महिलाएं जमकर डांडिया खेलती नजर आई। भक्ति गीतों की धुन पर महिलाएं व युवतियां डांडिया खेलते हुए एक दूसरे को अबील गुलाल लगाकर मां की आरती करते हुए विसर्जन घाट तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परंपरा सदियों से होता आया है। हम लोग मां की विदाई में काफी उत्साह के साथ यात्रा निकालते हैं और लोग काफी उत्साह के साथ मां की विदाई विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं और पुनः जल्द आने की कामना करते हैं। भागलपुर के नौछिया अनुमंडल में तेतरी स्थित प्रसिद्ध तेतरी दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लेकर देर शाम भक्तिमय माहौल में नम आंखों से भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के पहुंचे लाखों लोगों ने मां को विदाई दी। परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर में मां दुर्गा की प्रतिमा को कई चक्कर घुमाने के बाद विसर्जन यात्रा प्रारंभ हुई, जो कलबलिया धार पहुंचकर संपन्न हुई, जहां देर शाम श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पूरा विसर्जन शोभा यात्रा क्षेत्र मां दुर्गा के जयकारे से गुंजायमान होता रहा। एक तरफ जहां दुर्गा पूजा के मेले में लोग व्यस्त थे, वहीं देर रात कुछ अपराधियों ने घात लगाकर एक युवक को मेला से लौटते क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले अपराधियों से मोबाइल को लेकर युवक की कहासुनी हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने बदले की भावना से यह कदम उठाया है और अभिषेक कुमार नाम के युवक को देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नौगछिया पुलिस जिला की है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवक देर रात इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के चंडी स्थान के पास मेला घूमने आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर अपराधियों से नोकझोंक हुई और अपराधियों ने इसे गोली मार दी। सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के कमला कुंड के रहने वाले नरेश यादव के बेटे अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। क्या नाम आपका? कुंदन कुमार। जो मरे हैं उनका क्या नाम था? अभिषेक कुमार। कौन लगता है? भाई। घटना कैसे हुई? घटना ये मोबाइल पहले 30 तारीख को इससे छीन लिया। कौन छीन लिया? दो युवक
दो युवक इससे पाछे किए थे मोटरसाइकिल से, पांच या छह के बीच में ये इसको टच किया, तो मोटरसाइकिल लगा करके इसको रोके, सिग्नल सटा करके मोबाइल दे दिया। जोर से बोलिए। दे दिया और यहाँ मेला में ये चीन लिया वो युवक, जो चिन्हा था ये चिन्हने के बाद फोटो खींचने के बाद बोला कि यही है ये वो चलने लगा, तो कंटर झपट कर पकड़ने उसको। पहचानते हैं जो गोली मारा? फोटो पहचानते हैं उसको? मोबाइल में फोटो तो है, फोटो हम लोग के पास भी, पहचानते हैं उसको। मर्डर की घटना हुई है, मेला घूमने आए थे और रहने वाले तो हैं गोपालपुर थाना क्षेत्र के, लेकिन यहीं पर अपने मामा घर में रहते थे। उनकी किसी व्यक्ति किसी अपराधी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात से ही पुलिस धरपकड़ में लगी है, भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उससे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी का सोर्स मिला है जिस पर हम लोग आगे का रेड वगैरह कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और लोगों में आक्रोश था तो उसके लिए हम और SDM सर और सारे प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे। लोगों से बातचीत हुई है, ये लोग समझ गए हैं, इनकी कुछ डिमांड है जिनका हम लोग नियर फ्यूचर में सॉल्व कर देंगे। और बाकी स्थिति सामान्य है। हत्या का कारण क्या था सर? ये सब अभी तो शेयर आपको नहीं कर पाएंगे, थोड़ा और अनुसंधान होने दीजिए तो पता चल पाएगा, लेकिन ग्रुप का पता चल गया है कि जिसने हत्या किया है। हत्या का सारा डिटेल मिला? हाँ, डिटेल मिला है। सर, ग्रामीणों का कहना है कि 7 दिन तक पूजा अर्चना हुआ, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा का माहौल था, उसी में बंदूक लेकर के आया थे। नहीं, ये सूचना हम लोग को घटना के बाद ही मिला है कि ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम का तैयारी कर रहे थे लोग, ऑर्केस्ट्रा हुआ नहीं था, उसके पहले ही ये घटना शायद हो गया है। और यदि ऑर्केस्ट्रा वाली बात है तो हम लोगों की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, उसमें जांच किया जाएगा। एक तरफ जहां सरकार नशा मुक्त अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में खुलेआम छोटे छोटे बच्चों को नशे के जहर यानी गुटखा का पुरिया एक कंपनी के द्वारा बांटा जा रहा है। भागलपुर के कोतवाली चौक पर मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान महक गुटखा कंपनी ने सैकड़ों बच्चों के बीच गुटखा की पुड़िया के रूप में जहर बांटने का काम किया। बताते चले, जो भी बच्चे वहां मौजूद थे वो सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। एक तरफ सरकार नशा मुक्त अभियान के तहत अभियान चला रही है कि अपना बिहार नशा मुक्त हो, परंतु खुलेआम इस तरह सैकड़ों बच्चों के बीच महक गुटखा कंपनी जहर फैला रही है। मेले के दौरान बच्चों के बीच गुटखा बांटे जाने के क्रम में मीडिया ने वितरक से बात करना चाहा, परंतु उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। उसका सिर्फ यह कहना हुआ कि हमारी कंपनी प्रचार के लिए इसे वितरण कर रही है, परंतु बच्चों के बीच नशे की पुड़िया वितरण करना यह कहां तक सही है, यह निर्णय प्रशासन और सरकार लेगी। और देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पे कितनी सख्ती बरतती है। और शरबत पिला रहे हैं, हम तो शरबत पिला रहे हैं, आपको देखी ना, आपको देख रहे हैं ना, शरबत पिला रहे हैं, महक शरबत में कंटिन्यू है। और उसके साथ पुड़िया भी मतलब फ्री कर रहे हैं, दे रहे हैं, सैंपल है, बिक्री तो नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप दे रहे हैं, दिए हैं, उठा के छीन के ले जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक आपने खुद देखा है, उनको डांटा किया है, भगाया है, जो हमारा मेन काम है शरबत का, अभी चल रहा है। नहीं, शरबत तो है, लेकिन साथ साथ इसका भी तो प्रचार आप कर रहे हैं। आप हम शरबत में लगे हुए हैं, ये हमारा प्रचार कोई माध्यम नहीं। कौन सा पुड़िया है ये? महक पुड़िया है। ये क्या ये मार्केट में नया है क्या? नहीं बता सकते, अभी आया ही लोग लेकर के, हम लोग बांट रहे हैं। कौन लेकर आया है? यही सब जो स्टॉल लगाया है। भागलपुर के नवगछिया के कदुआ में इन दिनों बिजली विभाग की मनमानी चरम पर है, जहां विद्युत आपूर्ति शाखा नवगछिया के कनीय विद्युत अभियंता राहुल कुमार ने लोगों के घरों में मीटर लगाने की बजाय गलत तरीके से वसूली का नया तरीका अपना लिया है। कदुआ दीरा पंचायत के महादरी टोला बोड़वा मुसहरी में एक भी मीटर नहीं लगा है। सभी ग्रामीणों ने बीते 9 मार्च से लेकर अगस्त महीने तक मीटर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने आज तक वहां एक भी मीटर नहीं लगाया है। इस बीच 29 सितंबर को राहुल कुमार ने बुड़वा मुसहरी पहुंचकर
तीन लोगों के ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए बतौर जुर्माने के साथ कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें अशोक ऋषिदेव पर 7,774 रुपये, मुकेश ऋषिदेव पर 7,774 रुपये और मनोज ऋषिदेव पर 15,135 रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रामीण रजनी देवी के साथ अशोक ऋषिदेव, मुकेश ऋषिदेव व मनोज ऋषिदेव के परिवारों ने बताया कि बिजली मीटर लगाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक गांव में विभाग ने एक भी मीटर नहीं लगाया, उल्टे हम लोगों के ऊपर आज केस कर दिया। क्या इसी तरह वसूली करने की नीयत से जानबूझकर तो विभाग के द्वारा मीटर नहीं लगाया जा रहा। इसी तरह कंचनपुर कदवा में भी 7 लोगों पर जुर्माना लगाते हुए कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए आपको हम सुनाते हैं कि पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। हमरा आर की कहे सबटा में जलानी रही बहर मामा की कहे एगो दुगो रहे जलानी घर में ते कागज न मांगते कागज नहीं मांग कर मैं की कहे सीधा नाम पूछ कर केस कर लक केस कर लक केस के उपाय तो अब तो सब न करबो। घर में मीटर नहीं लगा है? घर में मीटर नहीं लगेना लगवे तब न लगेबे मीटर नहीं लगवे की लगे मांग किए आवेदन या ऑनलाइन कहीं किए हैं कुछ क्या? हाँ ऑनलाइन किया है। कितना दिन हो गया क्या हुआ? 1.5 महीना हुआ है करने लिए तभी तक मीटर नहीं लगा नहीं लगा है। क्या बात है जो आप लोग हल्ला कर रहे हैं चौचौ पे? बिजली विभाग के लिए हल्ला हो रहा है। क्या क्या बिजली विभाग किया? बिजली विभाग यही हो रहा है कि चुपचाप आया वो साइन ले जिस महिला आदमी था इधर कोई तो है नहीं था लड़का था बुरा आदमी उसी से साइन करवा लिया लेके चला गया था। कहाँ लेके चला गया? थाना ले गया थाना में केस किया। केस क्यों किया? कहा है बिजली आप कैसे जला रहे हैं? बिजली जला रहे हैं ऑनलाइन हो चुका है बोलिए उसको अति बोर्ड लगाएगा। तो कितना दिन पहले करवाए ऑनलाइन? 1.5 महीना हो गया। मीटर घर में नहीं लगा है? मीटर अभी तक नहीं लगाया है। हमरा का बोर्ड नहीं आयल छे हमरा का कौन अथी छे तार दल के बोर्ड नहीं देना छे मीटर नहीं देना छे कना हमरा के की गलती छे आबे छे यहां चुपचाप होय ना लिख ले छे देखा केस कर दे छे कना के केस कर लके अपना सब पर केस कर लके जे आयल रहे लिखे ला कथी के लेली कथी लिखे ले लो रे वाह पूछियो कथी के लेली आयल रहे कना चोरवा चोरी जे कर के गेल छे एक आदमी हां चोरी करना कौन चीज का केस कुछ बतैले होते ना के लेके केस कर लके अपने सब पर कौन कुछ बतैल के ना रुपया टक गेल है कथी के लेली लो रे वाह दार के लिए बोर्ड लिए बिजली वाला कोई रे की की सब ले? कुछ होने अभी खाली केस कर लेना। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भागलपुर में 73 दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और ट्राई साइकिल वितरण की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग बच्चे भी आम बच्चों की तरह सुगमता से विद्यालय पहुंचे और शिक्षा ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम में कई ब्लॉक के 73 दिव्यांग बच्चों ने शिरकत किया। जो दिव्यांग बच्चे व्हील चेयर के लायक थे उन्हें व्हील चेयर और जो बच्चे ट्राई साइकिल के लायक थे उन्हें ट्राई साइकिल दी गई। कार्यक्रम में भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और डे केयर सोसाइटी के कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आगाज विधिवत दीप प्रज्वलन से किया गया। उसके बाद सभी दिव्यांग बच्चों को एक एक कर उनके हिसाब से ट्राई साइकिल और व्हील चेयर मुफ्त में दी गई, जिससे बच्चे सुगमता से आम बच्चों की तरह विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। हमारी समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली आनुषंगिक संगठन है डे केयर, जिसको राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए विधिवत ऐसे के दी गई है। तो इनके द्वारा बच्चों को 73 ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। इन बच्चों के बीच ऐसे कि जो व्हील चेयर लायक हैं उनको व्हील चेयर और जो बच्चे ट्राई साइकिल चलाने लायक हैं उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ट्राई साइकिल और व्हील चेयर की ऐसे की कुल संख्या 73 बच्चों के बीच वितरित की गई है, जो विभिन्न विभिन्न ब्लॉकों एवं ऐसे कि विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं।